वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एक्टिविस्ट। और आज हम लोग जो जनरल जीके का 6th सेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स आप लोग देते हैं वहाँ आपको जनरल जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये सेशन आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए, रतौंधी को इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो अगर हम नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें तो विटामिन ए की कमी से हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज जो है वो होता है। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास बात की गई है विटामिन्स की, तो हम थोड़ा सा विटामिन्स के बारे में जान लेते हैं। जो विटामिन की खोज थी वो की गई थी फंक द्वारा, तो फंक ने सबसे पहले विटामिन्स की खोज की थी। और जो विटामिन है वो एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जिससे हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा या कैलोरी प्राप्त नहीं होती, परंतु ये हमारे शरीर में विभिन्न रोगों की से रक्षा करता है। फॉर एग्जांपल, आजकल अगर आप बात करें तो कोरोना वायरस को लेकर विटामिन सी का रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो देखिए, हमारे पास जो टोटल विटामिन्स होते हैं वो होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। ये टोटल विटामिन्स हैं जो पाए जाते हैं। अब दो तरह के विटामिन्स होते हैं जी, एक पानी में घुलने वाले और एक वसा में घुलने वाले। देखिए, अगर आप पानी में घुलने वाले विटामिन्स की बात करें तो दो विटामिन है, विटामिन बी और सी, जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। और अगर वसा में घुलनशील की बात करें तो वसा में घुलनशील वाले विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। अब हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि किस विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है। देखिए, अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनोल, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है दैट इज रतौंधी और संक्रमण का खतरा। सेकंड विटामिन इज विटामिन बी वन, विटामिन बी वन का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज थायमिन, और इसकी कमी से जो डिजीज होती है दैट इज बेरी बेरी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, और इससे जो डिजीज होती है दैट इज स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी का जो असली नाम है दैट इज कैल्सीफिरोल, और इसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। विटामिन ई को टोकोफिरोल कहा जाता है, और इसकी कमी से नपुंसकता की बीमारी जो है वो देखने को मिलती है। विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहा जाता है, और विटामिन के की कमी से होता क्या है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, राइट। तो दैट इज विटामिन के फाइलोक्विनोन। तो ये हमारे पास टोटल विटामिन्स थे, और ये डिटेल मैंने आपको विटामिन के बारे में बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। देखिए, अगर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात की जाए तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 में कलकत्ता के अंदर की थी, और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है वो बनाया गया है बेलूर मठ, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, और उन्हीं के नाम के ऊपर इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन जो है वो नाम रखा। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम क्या था, दैट इज नरेंद्र नाथ दत्ता, ये स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, नेशनल साइंस डे की अगर बात की जाए तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, और सीवी रमन जी को इसी फिजिक्स के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार जो था वो दिया गया था। इस बार 2020 का जो नेशनल साइंस डे था उसकी थीम थी वुमेन इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करो या मरो का नारा किसने दिया था। अगर करो या मरो या नारे की बात की जाए तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, जो कि 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेदों की ओर लौटो या गो बैक टू वेदास। देखिए, अगर ये बात कही जाए तो ये स्लोगन जो दिया था दयानंद सरस्वती जी ने, और दयानंद सरस्वती जी ही जो हैं वो उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को गिरगांव मुंबई में की गई थी। और इनके बारे में, जैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम क्या था, नरेंद्रनाथ दत्ता, उसी तरह हमारे जो दयानंद सरस्वती जी हैं उनका जो असली नाम था दैट इज़ मूल शंकर तिवारी। और सबसे पहले स्वराज दैट इज़ इंडिया फॉर इंडियन की मांग 1876 के अंदर दयानंद सरस्वती द्वारा ही की गई थी।
जिसको बाद में बाल लोकमान्य तिलक जी ने जो था यूज किया था स्वराज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रामायण किसने लिखी थी। देखिए अगर रामायण की बात करें तो रामायण का अर्थ होता है जर्नी ऑफ रामा, राम जी की जर्नी के बारे में। तो जो रामायण थी ये हमारे वाल्मीकि जी ने लिखी थी संस्कृत के अंदर, और इसके अंदर टोटल वर्सेस कितने हैं, 24,000 वर्सेस हैं, और इसमें 6 खंड में इसको विभाजित किया गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रावण के पिता का नाम क्या था। तो अगर रावण के पिता के नाम की बात की जाए तो विश्रवा जो था रावण के पिता का नाम था, और उनकी माता का नाम कैकेसी उनकी माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की जाए तो 26 जून 1945 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो बना था। और अगर मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड जो कि यूएसए में पड़ता है वहाँ है। नीदरलैंड का नाम नीदरलैंड इसलिए है क्योंकि नीदरलैंड जो है वो समुद्र से सिर्फ 5 सेंटीमीटर हाइट पे है, इसलिए उसका नाम नीदरलैंड है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस होते हैं जो कि 9 साल के टेनर के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और 2 तरह की लैंग्वेजेस है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूज की जाती है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। देखिए अगर रेफ्रिजरेटर की बात की जाए तो फिरॉन्स बेसिकली R22 गैस होती है, लेकिन अब इन गैसों को बैन कर दिया गया है और अब जो गैस यूज की जाती है रेफ्रिजरेटर की जगह दैट इज R134A जिसको टेट्राफ्लोरोइथाइलिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। अगर पेंसिलिन की खोज की बात की जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेंसिलिन की खोज की थी। तो ये था हमारे पास आज का सेशन जनरल जीके का। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एक्टिविस्ट। जय हिंद, जय भारत। Thank you.